about class 8 NCERT lesson rational numbers. In this video we'll discuss about distributivity of multiplication or subtraction for rational numbers. Okay, इसके पहले हम addition के लिए देखे थे, अब हम देख रहे हैं subtraction के लिए. Okay, तो इसकी property देखो क्या है, a in bracket b minus c, क्या होगा ये, a in bracket b minus c is equal to ab plus, sorry, ab माइनस ए सी. एडिशन के लिए हम सब्ट्रैक्शन के लिए देख रहे हैं, तो ए इन ब्रैकेट बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी. ओके, सब यहाँ पर देखो, हमने अगेन यहाँ पर ए बी सी के लिए वैल्यू ले लिए. सो अब ये प्रॉपर्टी हमें यूज करने के लिए इसके हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ हमें इक्वल करके बताना है. अगर आता है तो सब्ट्रैक्शन के अंदर आएगा, नहीं आता है तो फिर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के अंदर नहीं आएगा. बट ये प्रॉपर्टी इस तरह से तो ये आने वाला ही है. ओके, जैसे हम एडिशन के लिए देखे थे, सब्ट्रैक्शन के लिए ये प्रॉपर्टी है. ओके, सब देखते हैं, यहाँ पर ए बी एंड सी की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख लिए, ले लिए. अगेन हम क्या करते हैं, वन बाय वन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड लेकर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. सो देखो, हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर माइनस थ्री बाय फोर है. ओके, इन ब्रैकेट बी की वैल्यू कितना है, टू बाय थ्री है. माइनस सी की वैल्यू कितना है, माइनस फाइव बाय सिक्स है. ओके, अगेन सेम जैसे सब्ट्रैक्ट एडिशन के लिए किया था उसी तरह से यहाँ पर हम सॉल्व करना है. अगेन ये माइनस थ्री बाय फोर वैसे ही रहेगा. अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पर देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो या फिर डिनोमिनेटर सेम कर लेना. अब यहाँ पर इजीली डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, तो यहाँ पर अब डिनोमिनेटर क्यों, क्योंकि थ्री को अगर टू से मल्टीपल करोगे तो सिक्स आएगा, इसलिए डिनोमिनेटर हम सेम कर लेंगे. थ्री को क्या करेंगे, टू से मल्टीपल कर लेंगे. मतलब क्या होगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को टू से मल्टीपल करना होगा. टू बाय थ्री है इंटू क्या होगा, टू बाय टू से मल्टीपल कर देंगे. ये माइनस फाइव बाय सिक्स वैसे रहेगा. ओके, देन अगेन इसको सॉल्व कर लो तो ये क्या होगा, ये माइनस थ्री बाय फोर वैसे ही रहेगा. ओके, इसको सॉल्व कर लो तो ये क्या होगा, टू टू जा फोर, टू टू जा फोर हो जाएगा. यहाँ पर थ्री टू जा सिक्स आ गया, सिक्स यहाँ पर, ये माइनस फाइव बाय क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा. ओके, अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए. ये माइनस थ्री बाय फोर वैसे ही रखना है. ओके, अगेन यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर लो, डिनोमिनेटर एक था माइनस फोर माइनस ये माइनस फाइव. ओके, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, सिक्स. ए वन टाइम ही आएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो वन टाइम ही आएगा. ओके, नाउ इसको सॉल्व कर लेते तो ये क्या होगा, ये माइनस थ्री बाय फोर, इसको सॉल्व कर लो तो क्या होगा, फोर माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा. तो ये प्लस फाइव डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा, सिक्स. ओके, तो आ गया. अब इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस थ्री बाय फोर, ये इंटू मल्टीप्लीकेशन में तो मल्टीप्लीकेशन दे देता है, फोर प्लस फाइव कितना हो जाएगा, नाइन हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये सिक्स. ओके, अब जहाँ पर कटता है उसको काट लो. अब यहाँ पर देखो, कटता है तो काट लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं. अब यहाँ पर देखो सिक्स का थ्री, अब यहाँ पर थ्री का सिक्स में भाग जाता है, थ्री वन जा, ओके, थ्री टू जा सिक्स आ गया यहाँ पर. अब यहाँ पर देखो तो फाइनल आंसर क्या आएगा, ये वन, तो माइनस वन इंटू नाइन कितना हो जाएगा, माइनस नाइन हो जाएगा, डिवाइडेड बाय फोर इंटू टू कितना हो जाएगा, एट. तो इसका हमें लेफ्ट हैंड साइड क्या मिला है, नाइन माइनस नाइन बाय एट मिला है. सिमिलरली हम राइट हैंड साइड सॉल्व करके देखते हैं. ओके, सेम इसी तरह से सॉल्व करना है. एंड बी एंड ए एंड सी की वैल्यू पुट अप करना है. सो ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ए इंटू बी है, तो ए की वैल्यू कितना है, माइनस थ्री बाय फोर, इंटू बी की वैल्यू कितना है, टू बाय थ्री, माइनस ए की वैल्यू कितना है, माइनस थ्री बाय फोर, और ये इंटू बी सी की वैल्यू कितना है, माइनस फाइव बाय सिक्स. ओके, जहां पर कटता है काट देंगे. अब यहाँ पर देखो थ्री थ्री गेट का आंसर, थ्री वन जा वन वन से डिवाइड हो जाएगा, ये टू वन जा टू टू जा फोर. ओके, अगेन यहाँ पर देखो थ्री वन जा ये वन से और थ्री टू जा सिक्स. ओके, नाउ कट गए यहाँ पर सभी, बहुत ही सिंपल है काटना है यहाँ पर. नाउ यहाँ पर देखो माइनस वन इंटू वन कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, डिवाइड बाय टू इंटू वन टू, माइनस माइनस वन इंटू माइनस फाइव, यहाँ पर देखो माइनस वन ये और माइनस फाइव, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, सो वन इंटू फाइव फाइव, सो फाइव बाय फोर टू जा एट. ओके, अगेन यहाँ पर हमें टर्म्स मिला है वन बाय टू माइनस फाइव बाय एट. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसका डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं. डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर टू को फोर से मल्टीपल करने से एट आ जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा. सो वन बाय टू को मैं क्या करूंगा, टू फोर बाय फोर से मल्टीपल कर दूंगा. क्यों, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है. ओके, सो ये फोर बाय फोर से माइनस फाइव बाय एट, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी सॉल्व कर सकते हैं.
ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो 1 × 4 = 4 हो जाएगा, और 2 × 4 = 8 माइनस 5/, ये कितना होगा 8। ओके, सब यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, अब डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा 5, यहाँ पर 8 है तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये डिनोमिनेटर में 8 कॉमन है तो कॉमन आ जाएगा 4 माइनस 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये -1 × 1, सॉरी ये -1 × 1, यहाँ पर देख गलती हो गई, -1 × 1 ये -1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर -1 ही रहेगा, देन -1 × 4 कितना होगा -4 होगा। ओके, मैंने यहाँ पर माइनस साइन नहीं दिया था। ओके, अब यहाँ पर करेक्शन देखो, -1 × 1 कितना होगा -1/(2 × 1) 2 माइनस, ये -1 × -1 = -5 कितना हो जाएगा 5, बिकॉज -(-) प्लस हो जाता है, डिवाइड बाय 4 × 2 = 8। ओके, सो -1 × 4, अभी हमने डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 4/4 से मल्टीपल किया है क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, तो -1/2 × 4/4, सो क्या होगा -1 × 4 = 4 माइनस 4 × 2 = 4 कितना हो जाएगा 8 माइनस -5/8 कितना होगा 5/8। अब यहाँ पर देखो, अब इसका डिनोमिनेटर एक ही आ जाएगा यहाँ पर, तो वन टाइम ही आ जाएगा ये -4 और ये -5। ओके, अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो, ये क्या आ जाएगा -4 - 5 दोनों में एडिशन हो जाएगा और माइनस साइन आ जाएगा, तो ये -4 - 5 - 9 और डिवाइड बाई 8। सो यहाँ पर देखो -9/8 आया और यहाँ पर भी -9/8 आया, सो देयरफॉर क्या होगा इसका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। ओके, सो बहुत ही सिंपल था, सब्ट्रैक्शन के भी अंडर आता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा, कोई भी रैशनल नंबर्स रहने दो, इसको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड प्रूव करने के आंसर सेम आ जाएगा। ओके, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपको मिल ही जाएगा। ओके, सो आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नाउ इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।